कोहलीक्चर ऑफ द टॉपिक कॉल्ड एसिड बेसिस एंड सोल्ट एसिड बेसिस एंड सोल्ट में हम लोग ने एसिड से डील कर लिया है हम लोग ने बेसिस से डील कर लिया है हमने जो पढ़ना है उस केस में एसिड हो या बेस हम उसे एच टू ओ एच टू ओ मतलब वॉटर में डालेंगे वॉटर को देखा जाए तो वॉटर इज एच प्लस आय प्लस ओ एच माइनस अब वाटर को जब हमने ब्रेक डाउन करा तो जितने एच प्लस थे थे उतने ही माइनस वाटर वाटर के अंदर ये बात हो रही है water की अब बच्चा जानता है कि जब एसिड डाला जाता है तो एसिड प्रोवाइड करता है एच प्लस आयस और जब बेसिस डाले जाते हैं किसी भी सोल्यूशन में तो बेसिस प्रोवाइड करते हैं ओ एच माइनस आयस तो बेसिस प्रोवाइड ओ एच माइनस आयंस अब अगर किसी में किसी भी वॉटर वा, वा, के सोल्यूशन में अगर एच प्लस आयंस डाले जाएंगे पहले माहौल यह था एच प्लस इज इक्वल टू ओ एच माइनस आयंस बट ध्यान से देखिएगा ऑन एडिंग एसिड टू अ सोल्यूशन नंबर ऑफ एच प्लस आयंस इंक्रीजेस मतलब H प्लस आय बिकम्स मोर देन ओ एच माइनस आय इन एसिडिक सोलूशन सोल्यूशन एसिडिक सोलूशन के अंदर एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है ओ एच माइनस आय से अब अगर मैं चाहू मैं लाइव क्लास ले रहा होता मतलब लाइव इन द सेंस अगर मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता तो इधर वाला पोर्शन में कभी ना लिखता जब ओ OH एच डालेंगे तो ऑब्वियसली ऑन एडिंग ऑन

कि मैं ये चीज प्यार से आराम से समझा पा रहा हूं ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एसिड डालेंगे तो ये वाला सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक सोल्यूशन अगर क्लास सात है तो एसिडिक सोल्यूशन में एच प्लस आयन ज्यादा होते हैं बेसिक सोल्यूशन में ओ एच माइनस आयन ज्यादा होते हैं मगर अब 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 एक ऐसी चीज बता दो सर जो कि हमारे लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम करे कोई ऐसी चीज जिसको देखते हमें पता चल जाए कौन सी चीज एसिडिक है कौन सी चीज बेसिक एक आम आदमी जिसने साइंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है या साइंस पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया किसान किसान को कैसे पता चले कि मेरी एसिडिक है है बेसिक है या न्यूट्रल है एक इंसान को मच्छर काट गया मक्खी काट गई कुछ चीटियों में चीटियों के डंक में एसिड्स होते हैं तो कैसे पता चले एसिडिक का ड काटा है बेसिक डंक ने काटा है तो ये कैसे पता चले तो इसके लिए हमने एक हमने नहीं साइंटिस्ट लोगों ने एक बहुत बढ़िया बनाया है सिस्टम दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बेस सॉल्यूशन इसके लिए दे यूज पीएच स्केल पीएच स्केल के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे ये न्यूमेरिकल्स आप इलेवंथ क्लास में करोगे इलेवंथ क्लास में करोगे लॉग log, एक लॉगरिथम लेकर करोगे बट अभी फिलहाल मैं पी स्केल की इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पी स्केल के बारे में जितना उन्होंने नाइनटीन में सोर्सन ने एक स्केल बनाया था बाई विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सोल्यूशन एज वेल एज बेसिक सोल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाई मेकिंग द यूज ऑफ बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन ये लॉग एच करके होता है बट अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसमें एक बस पॉइंट हल्का सा ध्यान दे लेना द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आय इन देम हाइड्रोजन आयन जितने कम होंगे पीएच वैल्यू उतनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे पीएच वैल्यू उतनी कम होगी सिंपल बात है इसमें उन्होंने जब कैलकुलेशन करी तो उन्होंने देखा न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैव एच एक्जैक्टली इक्वल टू सेवन जितने भी न्यूट्रल सोल्यूशन हैं उनकी पीएच सेवन आती है चलो जी फिर उन्होंने क्या देखा एसिडिक सोल्यूशंस जी हाँ एसिडिक सोल्यूशंस हैव पीएच वैल्यू लेस देन सेवन उसके बाद आती है बेसिक अगर क्लास सात है तो बेसिक सॉल्यूशंस हैव पीएच वैल्यू मोर देन सेवन अभी बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है मतलब पीएच स्केल कुछ ऐसा होता है जिसकी पीएच वैल्यू सेवन है वो न्यूट्रल है जिसकी पीएच वैल्यू सेवन से कम है वो एसिडिक है और जिसकी पीएच वैल्यू सेवन से ज्यादा है वो बेसिक है तो उन्होंने कैलकुलेशन करी बेसिस पी एच बस सिंपल बात याद रख लेना दिस इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर अब आए वो छ पांच चार तक उन्होंने देखा जिनकी पीएच तीन दो और एक है ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं सात से लेकर साढ़े तीन तक सात से लेकर साढ़े तीन तक जो आते हैं वो वीक एसिड्स आते हैं थोड़ा सा पढ़ लो और जिनकी पीएच साढ़े तीन से कम है जितनी पीएच कम उतने स्ट्रॉन्ग आप एसिड सो दे आर स्ट्रॉन्ग ये याद रख लेना और यहां पर अगर पीएच बेसिस के बारे में बात आएगी तो आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और भी ऊपर चौदह तक जाती है वैल्यू चौदह साढ़े दस तक जिनकी वैल्यू है वो है वीक बेस और साढ़े दस से ऊपर जो है वो है स्ट्रॉन्ग बेस डूड्स आपको इतनी बढ़िया चीज किसी ने बता दी कहीं पर एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच है फाइव जिसकी पीएच है फाइव सपोज मिट्टी की पीएच फाइव है मिट्टी में एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स यूज करने से मिट्टी की पीएच वैसे न्यूट्रल होती है

ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो पहले इस चीज को कॉपी कर लो फिर उसके बाद बताते हैं पीएच का कहां रोल होता है अब आई होप कि मैं आपको यह समझा पाया हूं अब बच्चा बोलेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ एवरीडे लाइफ हमारी नॉर्मल लाइफ में पीएच का क्या महत्व है तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम आवर स्टमक प्रोड्यूस तो पता ही है हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विच हेल्प्स इन हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड अगर आपको याद हो प्रोटीन एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्ट होते हैं तो समटाइम्स समटाइम्स गड़बड़ हो जाती है अच्छी बात है समटाइम्स एक्सेस ऑफ हाइड्रो क्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेज एसिडिटी इन आवर स्टमक अब एसिड है तो एसिडिटी ही प्रोड्यूस होगी कॉजिंग ये याद रख लेना समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीजन वन बी ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा जब हम खा लेते हैं तो उसको बचाने के लिए ज्यादा एसिड बनाना पड़ता है तो एसिडिटी हो जाती है द एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इन डाइजेशन विच कॉजे इनडाइजेशन अब एसिडिटी हो गई है अब एसिड हो गया है उसको क्या करो कोई बेस ले लो तो माइल्ड बेस यहां पर विच प्रोड्यूस पेन एंड विच कैन देन 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 टू क्योर इट वी यूज एंड टैसेड डाइजीन की गोली खा लेते हैं चटमोला हाजमोला खा लेते हैं जिनके अंदर माइल्ड बेस होना चाहिए एंटासिड्स आर अ ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट इनका कोई नो टॉक्सिक इफेक्ट कोई भी दवाई मार्केट में आने से पहले उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है तो वो काफी टेस्ट के बाद आती है तो इसका कोई नुकसान नहीं होता एंड वेन 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 एंटासिड आर एडेड टू स्टमक दे न्यूट्रलाइज

या फिर हम बोलते हैं इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोड़ ये बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में आगे एन ए एच सी ओ थ्री इट इज माइल्ड बेस ये बहुत ज्यादा काम आता है जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा एसिडिटी के दौरान हम लोग इसको यूज करते हैं कंज्यूम करते हैं और ये हमारे बहुत ज्यादा काम आता है थोड़ा सा बस इसको ध्यान देते हुए चलना सेकंड, पीएच पीएच की वजह से पीएच इज द कॉज पीएच इज द एक मिनट रुकिएगा। पीएच इज इज पीएच चेंजेस कॉज टूथ डी के आपको बताता हूं पहले हिंदी में समझ लो हम खाना खाया खाना खाया खाना दांत में फंस गया खाना जब दांत में फंस जाता है मैक्सिमम फूड जो हम खाते हैं वो एसिडिक होता है मैक्सिमम फूड तो दांत में फसा हुआ खाना एसिडिटी बढ़ाता है खाने की और एसिडिटी अगर मुंह के अंदर होगी तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया के लिए वो बड़ा अच्छा मीडियम होता है बैक्टीरिया कहता है यहां पर मैं आराम से ग्रो कर सकता हूँ वो बैक्टीरिया फिर धीरे 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 हमारे दांत के एनामल को खाना शुरू कर देता है शुरुआत होती है 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 कीड़ा लगने की एनामल खराब 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 होता 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 फिर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर अंदर वाला वाला पार्ट पार्ट अल्टीमेटली दांत खोखला हो जाता है या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करानी पड़ती है या फिर दांत निकलवाना पड़ता है दोनों केसेस में नुकसान हमारा ही होता है व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर फूड कंटेनिंग Sugar then the bacteria present in our mouth breaks down, breaks down sugar to form acids, but weak acids, hai, but still. ये याद रख लेना एसिड्स एंड ड्यू टू विच दी एच ऑफ आवर माउथ लोअर्स डाउन बिलो 5.5 पॉइंट फाइव विच इज Very appropriate for tooth decay. Yeah, Tooth decay starts when pH of acids formed in mouth falls below 5.5. This is because the acid becomes strong enough to attack the enamel. The acid becomes... स्ट्रॉग इनफ टू अटैक दर हार्डेस्ट मेटीरियल ऑफ द एनामल टूट जाता है और धीरे धीरे फिर दांत वीक होने लग जाता है इसका बेस्ट वे जो है अगर आपको इस परेशानी से बचना है दू प्रिवेंट टूथ टीके माउथ थोरो आफ्टर ईटिंग फूड खाना खाने के बाद मुंह जरूर धोएं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब छोटा सा चींटी छोटा सा मच्छर ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा ये अहम हमारे अंदर आ जाता है जस्ट बिकॉज हमारा साइज थोड़ा सा बड़ा होता है बट गलती से चीटी अगर काट ले और गलती से गलत जगह काट ले तो जान लेवा भी साबित हो सकता है कई मच्छर कई ऐसे कीड़े होते हैं जिनके जहर जिनके डंक में ऐसा जहर नहीं होता एक स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस होता है जो अगर वो इंजेक्ट कर दे हमारी बॉडी में या किसी और की बॉडी में तो उसको बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ लो प्लांट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस कैसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे पहला पॉइंट सॉइल uh, uh, वो सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ थोड़ा सा शॉर्ट नोट बच्चे ने बोला सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या पीएच अच्छा होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल सिंपल बात है वो हमने पहले भी करा हुआ है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो एट बेस्ट व्हेन पीएच ऑफ सॉइल टू सेवन क्लोज टू सेवन मतलब न्यूट्रल मिट्टी एसिडिक भी सही नहीं है मिट्टी बेसिक भी सही नहीं है दॉइल में भी और बेसिक हो सकता है डिपेंड करता है क्योंकि वो अब सॉयल एसिडिक और बेसिक कैसे हो सकती है जैसे जो पानी उसमें आ रहा है जहां से पानी उसमें आ रहा है जो फैक्ट्रीज फुकट्रीज का जो वेस्ट होता है उसमें एसिड होते हैं वो नदी नहलो में जाता है वो नदी का पानी जब आप सॉइल में डालोगे सॉइल so, एसिडिक हो जाएगी आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी यह याद रख लेना पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल कैन रीच एज लो एज फोर सॉइल की मिनिमम से मिनिमम पी जा सकती है एसिडिक, इज अ वेरी बहुत बड़ा है, यह टेंशन वाली बात है और बेसिक में एट पॉइंट थ्री तक जा सकती है यह भी कोई अच्छी बात नहीं है यह याद रख लेना टू एसिडिक तो देन इट इज ट्रीटेड क्विक लाइम अगर इसको सोल्यूशन देना है तो इसके अंदर बेस डालना पड़ेगा इसके अंदर डाला जाएगा क्विक लाइम टू न्यूट्रलाइज ये याद रख लेना और इफ द इज इसमें ऑल ऑल दीज मटेरियल्स हां जी चॉक पाउडर या कार्बो कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगला थोड़ा सा पीएच के बारे में पढ़ लो पीएच चेंजेस सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स बुक कुछ बच्चे बुक नहीं पढ़ते बुक नहीं पढ़ते बस बिना बुक पढ़े वो चाहते हैं नंबर आ जाए जो कि टफ होता है क्योंकि बुक में कई बार माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं जिसमें से वन मार्कर्स आते हैं अगर आप वो नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका हो रहा है द पी एच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स आवर बॉडी वर्क वेल विदिन पी एच रेंज ऑफ सेवन टू सेवन पॉइंट एट ह्यूमन बॉडी को जो पीएच चाहिए होता है हैप्पी पीएच जो है वो से के बीच में पीएच रहेगा तो वी आर ओके आवर बॉडी वर्क्स इफ ड्यू टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन देन मेनी एलिमेंट कैन अकर लेक वाटर विद इन पीएच चेंज दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम दी एच ऑफ रेन वाटर इज फाइव पॉइंट सिक्स वैसे नहीं होता रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बट जब हमारे एटमोसफेयर में आता है तो उसमें उसके अंदर वो गैसेज एसिडिक के के अंदर मिल मिला के, अगर रेन वाटर इफ रेन वाटर की पी एच इज फाइव पॉइंट सिक्स देन इट बिकम्स एसिड रेन अगर आपको थोड़ा सा पता हो क्लाउड्स के अंदर प्योर वाटर होता है बट जब वो क्लाउड से पानी बरसता है हमारे एट मॉस फेयर में आता है तो देर आर एसिडिक गैसेस लाइक दिस, जब ये गैसेस कंबाइन करती हैं, तो दे फॉर्म एसिड और जब ये एसिड एज वॉटर गिरता है सो इट बिकम्स एसिड रेन इसका कोई इलाज नहीं है इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप कोशिश करो कि ये एसिड कम से कम बने ये याद रख लेना दिस इज और फिर वो हमारी जहां गिरेगा बिल्डिंग्स पे गिरेगा, उनको नुकसान स्किन पे गिरेगा उसको नुकसान पानी में गिरेगा उसको नुकसान एक्वाटिक एनिमल्स को नुकसान ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना हनी बी थोड़ा सा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हनी बी मधुमक्खी हनी बी अ पर्सन इट इंजेक्ट्स इट वेन इट स्टिंग्स अ पर्सन ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना काटती है जब स्टिंग्स अ पर्सन मधुमक्खी ने कभी ना कभी किसी ना किसी को जरूर काटा होगा किस्मत है अगर नहीं काटा है इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इन टू द स्किन इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इन टू द स्किन और फिर वो जो एसिड है वो नुकसान पहुंचाता है यह बात याद रख लेना और इन टू विच कॉजे इमेंस पेन एंड इरिटेशन कॉजेज इमेंस पेन एंड इरिटेशन ये याद रख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका इलाज क्या है इफ द बी ये याद रख लेना If the bee stings a person, rubbing a mild base like baking soda, solution. Rub a mild base like baking soda. Baking soda सोडा आमतौर पे काफी घरों में होता है आजकल आ, केक बनाने का शौक लोगों को बहुत चढ़ा हुआ है नॉर्मल किसी भी दुकान से मिल जाएगा बेकिंग सोडा बहुत बड़ी चीज नहीं है ये याद रख लेना माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा कैन गिवज रिलीफ नाउ बिकॉज बींग अ बेस इट इंजेक्ट एल्कलाइन लिक्विड इन टू द स्किन एंड इफ द वॉश वॉश स्टिंग अ पर्सन अगर वॉश ये दूसरे वाला कीड़ा जो होता है तो वो स्किन के अंदर डाल देता है विनेगर विनेगर भी एक माइल्ड एसिड ही है यह याद रख लेना तो इस विनेगर से बचने के लिए भी नॉर्मल है नॉर्मल uh, अब उन्होंने बोला विनेगर न्यूट्रलाइज द अल्कलाइन सोल्यूशन बाय वॉसिंग एंड कैंसल इट्स इफेक्ट वेन इंजेक्ट्स एन अल्कलाइन लिक्विड सॉरी मैंने गलत बोल दिया मैंने गलत बोल दिया आई एम सॉरी 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 बहुत गलत इट ये कंफ्यूज हो जाता हूं मैं हर बार इट अ माइल्ड बेस तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए विनेगर जो कि एक एसिड है हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज ये याद रख लेना एंड एंड स्टिंग चीटी पे आ जाओ एंट स्टिंग के अंदर होता है मिथेनोइक एसिड जो कि खुद एक एसिड होता है तो इससे बचने के लिए बहुत ज्यादा चीटी लाल चीटी काट जाए तो ये याद रख लेना तो इसके ऊपर भी बेस में बेकिंग सोडा लगा देना तो काम हो जाएगा बच जाओगे प्लांट्स आर नो बेटर देन एनिमल्स फॉर इज मैंने वाइल्ड हर्बेशियस प्लांट फाउंड इन द जंगल्स द नेटल हेयर कांटे वाले बाल व्हेन अ पर्सन द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट एक्सीडेंटली स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट एसिड और मिथेनोइक एसिड जब भी होगा तो मिथेनोइक एसिड जब भी डालोगे तो उसे बचने के लिए आपको कोई बेस अपनी स्किन में डालना पड़ेगा ही पड़ेगा ये आपको थोड़ा बहुत आज आपको हमने बताया है पीएच वगैरह के बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज कॉल्ड सॉल्ट तो बच्चा गएगा अगर सर आपने एसिड और बेसिस सही पढ़ाया है तो सोल्ट पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने एसिड में भी पढ़ा हमने सॉल्ट में भी पढ़ा एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं न्यूट्रलाइजेशन के स्पेलिंग्स में गलत ना लिख दू न्यूट्रलाइजेशन के एक बार स्पेलिंग्स देख लेना कोई भी एसिड्स एच को रिएक्ट करो बेस के साथ एन तो बनेगा क्या ये स्टैंडर्ड तरीका है जब भी पानी में जाएगा एच प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस ओ एच माइनस इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ एन एस एल प्लस एच टू ओ ये वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से इस चीज को समझ लेना ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है मगर अब ध्यान से स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल लेवल के टक्कर है कि शायद कंबाइन करेंगे तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट प्लस एच टू जितना बड़ा बदमाश वो था उतना ही बदमाश दूसरे वाला बेस भी था तो बात खत्म हो गई अब स्ट्रोंग एसिड अगर रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ बनेगा तब भी सॉल्ट बनेगा तब भी सॉल्ट बट उस सॉल्ट में थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट आएगा एसिड का वो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक एक सॉल्ट बनेगा ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना अब इस बादल में मैं क्या लिखने वाला हूं वो मेरी क्लास को पता है तो बनेगा बेसिक सॉल्ट ये थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए न्यूट्रल सॉल्ट के हमें एग्जाम्पल पता होने चाहिए एसिडिक सॉल्ट के हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए बेसिक सोल्ट के तो अगर लखमीर सिंह पढ़ते हो तो 84, 85, 86, 84, 85, 86 एट्टी फोर सिक्स एंड लखमी सिंह का पढ़ कर रखना इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सोल्ट फिलहाल के लिए और समीर सर इज यू गुड बाय एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ मैं शुरू में नहीं बोलता इस चैनल का मेन पर्पस तुम्हारी पढ़ाई को स्ट्रांग करना है अगर हमारे से तुम्हें कोई फायदा हो रहा है तभी सब्सक्राइब भी करो शेयर भी करो और आगे इस चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद भी करो थैंक यू